खुद को पैगंबर मोहम्मद का दूत बताने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अनाप शनाप कह दिया है। उनका दावा है कि भारत समेत कई देशों में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। खामेनेई की भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर की गई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी निंदा की और इसका करारा जवाब दिया। भारत ने इन टिप्पणियों को गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य बताया है। आपको बता दें, भारत ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और दो टुक जवाब दे दिया। भारत ने कहा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले ईरान को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक सख्त बयान में कहा गया, हम ईरान के सर्वोच्च नेता द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। ये गलत सूचना पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपना रिकॉर्ड देख लें। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एक्स पर पोस्ट में कहा, अगर हम म्यांमार, गजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम को होने वाली पीड़ा से बेखबर हैं, तो हमें खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। खामेनेई ने कहा है कि भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती पर सोमवार को उन्होंने ये बात कही और दुनिया भर के मुसलमानों के बीच एकजुटता की जरूरत बताई। बड़ी बात यह है कि खामेनेई ने भारत की तुलना गजा और म्यांमार से की है और उसी के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया है। खामेनेई ने ये टिप्पणी तब की जब उनका देश खुद सुन्नी मुस्लिम और जातीय अल्पसंख्यकों के दमन के लिए दुनिया भर में बदनाम है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रहा है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों के बारे में टिप्पणी की। साल 2019 में जम्मू से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और कहा था कि कश्मीर में मुसलमानों की स्थिति चिंताजनक है। खामेनेई ने तब कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कश्मीर में उठाए गए इस कदम से मुसलमानों में डर बना हुआ है। वैसे तो भारत और ईरान के बीच संबंध मजबूत रहे हैं, द्विपक्षीय संबंधों में कोई बड़ी अड़चन नहीं आई है। भारत चाबहार समझौते का अहम हिस्सा है। मई 2015 में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए नई दिल्ली में MOU पर हस्ताक्षर किए थे। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिसे चाबहार समझौते के रूप में भी जाना जाता है। पूर्व ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और पूर्व विदेश मंत्री हुसैन अमीर की मृत्यु के बाद संवेदना व्यक्त करने मई में आधिकारिक समारोह में भाग लेने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां गए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसी साल जुलाई में तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।